आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि कितने तरह के कंपाउंड्स हमें इस नीट की और आईटी की तैयारी के लिए टोटल पढ़ने होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक बार हमारे दिमाग में एक परफॉर्मर तैयार होनी चाहिए, इतने फंक्शनल ग्रुप्स हमें टोटल पढ़ने। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है देयर आर 18 फंक्शनल ग्रुप्स फॉर नीट एंड आईटी। नीट और आईटी की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको 18 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने होंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 18 फंक्शनल ग्रुप्स है, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला। फंक्शनल ग्रुप्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें जो अपने कोर्स के अंदर पढ़ाई करनी है वो 18 फंक्शनल ग्रुप्स की होगी। अब ये 18 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, अभी मैं सिर्फ आपको इसका नाम बता रहा हूं जो कि आप जानते हैं, लेकिन मैं इसके नाम को आपके सामने एक बार लिखवा करके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्कीन, अल्कोहल, ईथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अमाइन्स, नाइट्रो अल्केन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्राइल्स। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ये 18 ग्रुप्स हैं जो हमें इस साल का मतलब ये है कि जब भी आप नीट का और आईटी का पेपर देंगे तो इन ग्रुप्स की पूरी स्टडीज हमें कर ली होती है। ठीक है, चलिए तो ये ग्रुप्स हम लोगों ने नोट कर लिए एक बार। अभी इनका मैंने कोई आईयूपीएसी नहीं बताया आपको, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कैसे, ये अभी हम लोग आईयूपीएसी करते समय करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आएगी, वो बात ये है कि ये जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप्स है इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अल्केन के बाद अल्कीन अल्काइन आता है, लेकिन क्यों आता है? साइंटिस्ट लोगों ने भी सोचा क्यों लिखे भाई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात अब आप सीखने आ रहे हैं। ये जो पूरा आप सीक्वेंसिंग हमेशा पढ़ते हुए आते हैं क्लास 11 से और क्लास 12 तक, कि पहले अल्केन पढ़ेंगे, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर हेलो अल्केन, फिर अल्कोहल, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है हमारे सामने वो ये है कि वाई ओनली दिस सीक्वेंस और अरेंजमेंट, ऐसी सीक्वेंस क्यों है? तो ये याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको के बच्चे बहुत सारे जो है वो मिस करते हैं और सिर्फ पढ़ते चले आते हैं, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं चलता। क्लास 12 भी पास करके निकल गए, पता ही नहीं चला कि हमने ये ऑर्डर ऑक्सीडेशन नंबर के ऑर्डर में पढ़ा था। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। ये किसके बेसिस पर किया गया है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हमने रखा है उसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन पर। कैसे? देखिए CH4 पहला मॉलिक्यूल CH4, तो आप CH4 में देखेंगे कि CH4 जो है हमारे पास में वो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रखता है कितना? -4। इसी तरह से अब अगर आप, मैं सारे ग्रुप्स नहीं लिखे लेकिन मान लीजिए इसके आगे का मैं अल्कोहल लिखता हूं, अल्कोहल के अंदर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल का OH आ गया, और अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कितना आने वाला है हमारे पास में, आप देख सकते हैं -2 आएगा, इट विल बी -2। इसी तरह से अगर आप यहां देखते हैं CH3CHO, इसके बाद अल्डिहाइड को लेकर के आता हूं मैं, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है आप देखेंगे 2x + 4 - 2 = 0, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही, -1। आप देख रहे हैं कि इससे ये मॉलिक्यूल लगातार ऑक्सीडाइज होते चले जा रहे हैं, यानी कि -4 से -2 का क्या मतलब होगा? ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं आप?
इसी तरह से माइनस टू से माइनस वन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और फिर से क्या हो गया हमारे पास में ये ऑक्सीडेशन। माइनस वन से अगर कोई चीज जीरो बन करके तैयार हो रही है तो भी हमारे पास में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रही है और ये क्या हो गया हमारे पास में ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से बच्चों आप ये समझिए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स की सीरीज बनाई गई अल्कोहल और एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बनाने का जो मेजर रीजन रहा है वो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। और अब आप ये भी समझ लीजिए कार्बन के दो एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती है, एक होती है माइनस फोर और दूसरी होती है प्लस फोर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी हम ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं लेकर के चलते हैं, लेकिन ये मैंने आपको लिख दिया, जब भी आपके पास में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन होगा, एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जिसके आगे आप जा नहीं सकते, यानी कि अगर आप बर्निंग करेंगे, उसका कंबशन करेंगे, उसको जला देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए लास्ट जो चीज हमारे पास में मिलकर के तैयार होती है वो हमेशा क्या हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम CO। CO2 के ऊपर कोई चीज क्यों नहीं बन पाती है, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस फोर के ऊपर नहीं हो सकती। तो ये बात का ध्यान रखिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज प्लस फोर विच इज अचीव इन CO2। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कोई भी रिएक्शन करें, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा CO2 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज ये देखा कि किस कारण से ये सीरीज हमारे पास में बनाई गई है। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखिए जो अभी आपने देखे कि ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं 18, तो आपको पता है पूरी ऑर्गेनिक इनकी रिएक्शन से भरी हुई है। बच्चे रिएक्शन से बहुत घबराते हैं, तो हमने सबसे पहला तरीका जो अडॉप्ट किया वो ये है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको जरा कुछ ऐसा सिस्टम में जोड़ दिया जाए कि बच्चे जरा एक बार ये समझ लें रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि एक चार्ट तैयार करा है जिसमें एक दूसरे से हमने कनेक्ट किया, ये एक मैजिकल चार्ट है, यानी कि जादू है इसका। इस एक चार्ट से आप ऑर्गेनिक की लगभग सारी रिएक्शंस एक ही बार में समझते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक इज व्हाट, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट, ऑर्गेनिक आखिरकार रिएक्शंस के मामले में है क्या। बहुत ध्यान से समझिएगा ये चार्ट, बहुत सुकून से मैं एक एक स्टेप्स में आपको बताते हुए चल रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास में कंपाउंड होता है अल्केन, तो आप देख सकते हैं कि अल्केन है मेरे पास में, मैंने इसके अंदर एक कंपाउंड लिख दिया है यहां पर C2H6, ऐसी रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें क्लोरीन डाल देते हैं, अगर हम इसके अंदर क्लोरीन डाल देते हैं, तो क्लोरीन के डालने पर यह हमारे पास में C2H5Cl यानी कि हेलो अल्केन बन करके तैयार हो जाएगा। अब हेलो अल्केन में अगर हम एक्वस KOH, एक्वस KOH का क्या मतलब होता है, वाटर के साथ पानी के साथ KOH को डालते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस चार्ट पे पढ़ने से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि साइनाइड से अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे आप, साइनाइड से अल्डिहाइड, तो आपको परेशानी आएगी सोचते इधर साइनाइड से अल्डिहाइड, पहले ये डालेंगे फिर वो डालेंगे फिर सोचेंगे आप। इस चार्ट को जानने के बाद आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे जैसे ये सवाल मैंने बोला इसको दिमाग में रखिएगा, साइनाइड से अल्डिहाइड कैसे बनेगा। अब देखिए अल्कोहल का हमने कर दिया ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन के करने से या तो अल्डिहाइड बन जाता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या कीटोन्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम इस अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसके ऑक्सीडेशन करने से क्या बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग बात कि अल्केन से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सफर कितने आराम से तय कर दिया। अल्केन में क्लोरीन डालो हेलो अल्केन, फिर एक्वस KOH डाल दोगे तो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो अल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन करके तैयार हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम डाल देंगे CH3OH,
अल्कोहल, तो हमारे पास में कंपाउंड कौन सा बन के तैयार हो जाएगा यहां पर, एस्टर्स। कौन सा कंपाउंड बच्चों बन के तैयार हो गया, एस्टर्स बन के तैयार हो गए। इसी तरह से अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर HCl या PCl3 या PCl5 या SOCl2 डालूंगा तो कंपाउंड बन के तैयार होता है CH3COCl, जिसका नाम क्या होता है, एसिड हैलाइड प्लस H2O, सबके साथ H2O बनता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें P2O5 डालते हैं तो ये जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ CH3CO, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। और अगर हम अमोनिया डाल देंगे तो ये बन के तैयार हो गया CH3CONH2, जिसको हम कहते हैं अमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस चलते हुए आ रही है अभी। अब हमारे पास में ये है हेलो अल्केन, और अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इस हेलो अल्केन से अब आप देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अब मैं लेकर के आऊंगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाने के लिए पहले मैंने हेलो अल्केन में अमोनिया डाल दिया है, तो अमोनिया के डालने से क्या बन के तैयार हो गया, ये अमाइंस। अगर मैं इसमें KCN डालूंगा तो यह बनके तैयार हो जाता है साइनाइड। अगर AgCN डालता हूं, ये मैंने देखे बोला है AgCN, तो बनके तैयार हो जाता है आइसोसाइनाइड C2H5NC। अगर मैं AgNO2 डालता हूं इसके अंदर तो बनके तैयार हो जाता है C2H5NO2। अगर इसमें KNO2 डालता हूं तो यह बनके तैयार हो जाता है C2H5ONO, जिसको हम कहते हैं नाइट्राइट। अब इस चार्ट के अगले स्टेप में हम लोग आते हैं। अब मैंने आपको बोला कि देखो भाई ये हमारे पास में पूरी जो सीक्वेंसिंग है ये ऊपर की, ये सीक्वेंसिंग पर आप देख पा रहे हैं कि ये ऑक्सीजन फैमिलीज है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन फैमिली है। अब मैं नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के बीच में रिलेशन कैसे बनाऊं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में रिलेशन बनाने के लिए, वो होती है हमारे पास में रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर आप अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा देंगे, तो बन के तैयार हो जाएगा अल्कोहल। क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये अल्कोहल। अब देखिए मैंने आपको अभी एक सवाल बोला था कि बच्चों आप जरा सोच के देखिए साइनाइड से आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती सोचने के लिए। अभी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई सवाल आएगा आप क्या काम करेंगे, इस चार्ट को दिमाग में फिट कर दें। देखिए अब मैं यहां पर साइनाइड से एल्डिहाइड, कम से कम मुझे यह पता चल गया साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि अमाइन से अगर अल्कोहल, अमाइन से अगर कोई मुझे सवाल देता तो मैं क्या करता, अमाइन से अल्कोहल बना देता, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता। लेकिन सवाल मैंने आपको क्या दे रखा है, साइनाइड, तो यहां पर पेज फंस गया, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए है, अमाइंस के लिए है। अब साइनाइड से कैसे होगी, उस जादू को अब हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। अब आप देखिए एक और मैजिकल स्टेटमेंट आने जा रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस, दे आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस। यानी कि अगर आपके पास में कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है उसका अगर आप रिडक्शन करेंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, अमाइंस बनकर के तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसका यूज कैसे करने वाला हूं वो अब आप देखिए। देखिए आपको इसका यूज अब यहां पर अभी समझ में आने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देखिए मैंने एक बार फिर से रिपीट करा दूं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए साइनाइड क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका मैंने रिडक्शन कर दिया। देखिए ये जो एरो है ये ऐसे गया और ये ऐसे आके फिर इधर आ गया, तो ये क्या हो रहा है आपके पास में, रिडक्शन। आपको पता है कि रिडक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो साइनाइड का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो अमाइंस बन जाएगा, आइसोसाइनाइड का आप रिडक्शन करेंगे तो अमाइंस बन जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो अमाइंस बन जाएगा, और अगर आप नाइट्राइड कंपाउंड्स का करेंगे तो अमाइंस बन जाएगा। अभी हमारे पास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमाइड भी तो है, इसमें भी तो नाइट्रोजन है, तो आप देखिए मैंने एरो इसको इधर लिया थे कि अगर आप अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो उसके रिडक्शन से भी अमाइंस बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि अगर आप किसी भी नाइट्रोजन कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, चाहे वो साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, नाइट्रो कंपाउंड हो या नाइट्राइड हो या अमाइड हो, इनके रिडक्शन से सबसे हमारे पास में अमाइंस बन करके तैयार हो जाते हैं। अब आप देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि बच्चों साइनाइड से आप अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, साइनाइड से अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। अब आपको कोई भी किताब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या काम करेंगे कि ये हमारे पास में साइनाइड है, साइनाइड का हम रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करके क्या बनके तैयार हो जाएगा हमारे पास में C2H5NH2 अमाइंस, अमाइंस में नाइट्रस एसिड डाल करके अल्कोहल, और बच्चों अल्कोहल का ऑक्सीजन करके क्या बन जाएगा हमारे पास में अल्डिहाइड। अब आप इस चार्ट को जरा पहले दिमाग में बैठा लिए। अब हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है अल्कीन। अल्कीन आपको पता है एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये, और इनकी रिएक्शन में बहुत पार्टिसिपेशन है, अल्कीन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन ये जो चार्ट का हमारा सिस्टम अभी नीचे बन रहा था इसमें तो अल्कीन फिट नहीं हो सकता। तो देखिए अल्कीन को हमने क्या करा है, हेलो अल्कीन और अल्कोहल के बीच में रखा है ऊपर, ये देखिए यहां रखा हुआ है। अब आप सुनेंगे ध्यान से, अगर आप हेलो अल्कीन में अल्कोहलिक KOH डाल दें, देखिए ये मैं आपको यहां पर क्या लिख करके बता दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। अगर मैं यहां पर हेलो अल्कीन में अल्कोहल के साथ KOH डालता हूं, देखिए ये क्या था, एक्वस KOH, तो अल्कोहल बना। अगर मैं अल्कोहल वाला KOH डालता हूं तो अल्कीन बन करके तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं आप ये एरो, ये ऊपर गया है और फिर ये ऐसे चला गया इस साइड। और अगर अल्कीन से आपको बनाना है हेलो अल्कीन, अगर आप अल्कीन से हेलो अल्कीन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें HCl या फिर HBr ये मॉलिक्यूल डाल देंगे। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अल्कोहल की तरफ। अगर अल्कोहल से आप बनाना चाहते हैं अल्कीन तो आप क्या काम करेंगे, अल्कोहल आप देखिए मैंने इधर से एरो चलाना शुरू करा, ये क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रेशन, यानी कि अल्कोहल में से एक वाटर के मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल दीजिए तो हमारे पास में फिर अल्कीन बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप अल्कीन से बनाना चाहते हैं अल्कोहल तो आप देखिए अल्कीन के अंदर मैं H2O डालूंगा, ये देख रहे हैं आप, ये अल्कीन, इस पर मैं H2O डाल दूंगा तो इसके H2O डालने से क्या बनके तैयार हो जाएगा यहां पर अल्कोहल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो अल्कीन है हमारे पास, हेलो अल्केन के अंदर डालेंगे तो ये, और अल्कीन में डालेंगे तो ऐसे। इसी तरह से अल्कोहल में अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन, और अगर आप H2O डाल देंगे तो इस तरह से अल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे पास में दूसरी इंपॉर्टेंट बात बन करके तैयार हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए इन सारी रिएक्शंस में अभी जब आप देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड पर आपने अल्कोहल डाला तो एस्टर्स बन गए, ये चीज डाला तो एसिड हैलाइड बन गया, P2O5 डाला, इन सब में H2O भी बाहर निकल रहा था। तो मैंने इस चीज का फायदा ये उठाया कि अगर अब एस्टर से मुझे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड हैलाइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ये पेन ऐसे रखा हुआ था, अब मैं इसको यूं पलट दूंगा, देख रहे आप, ये पेन यूं रखा हुआ था ऐसे, देखिए यूं रखा हुआ था ये, अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया मैंने। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, यहां H2O निकल रहा है, अगर मैं H2O का हाइड्रोलिसिस कर दूं यानी कि वाटर के साथ मैं रिएक्शन कर दूं, देख रहा आप ये एस्टर्स की रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कर देता हूं तो वापस क्या बन के तैयार हो जाएगा, फिर हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एसिड हैलाइड में अगर मैं H2O डाल देता हूं तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर मैं एनहाइड्राइड के अंदर H2O डाल देता हूं तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से एनएमाइड में
अगर मैं H2O डालूंगा तो बन के तैयार हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप देखिए बड़े मजेदार सिचुएशंस आएंगी। सपोज करिए कि आपके पास में क्वेश्चन आता है कि अमाइड से, देख रहे हैं आप, ये अमाइड से अल्कीन कैसे बनाएंगे आप। तो मैं जहां तक जानता हूं बच्चों की नॉलेज, बहुत परेशानी होने वाली है उनको अगर मैं आप कहता हूं अमाइड से अल्कीन कैसे बनाएंगे आप। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल होने वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चार्ट फिट हो गया तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मैं क्या करूंगा, अमाइड के अंदर पहले हाइड्रोलिसिस करके क्या बना दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरी गाड़ी फंस गई कि भाई आगे आने का तो रास्ता पता है, पीछे जाने का नहीं पता, तो चलो मैंने कहा छोड़ो, अमाइड है मेरे पास, मैं पहले क्या करूंगा रिडक्शन करके क्या बना दूंगा, अमाइंस। अमाइंस पे डाल दूंगा नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड के अंदर डाल के अल्कोहल बन जाएगा, और उसके बाद फिर H2SO4 डाल करके अल्कीन। तो अमाइड से अमाइन से अल्कोहल और फिर अल्कीन, खराब से खत्म, साफ सीढ़ी का खेल हो गया ये, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने यहां पे बात रोकी, अरे भाई ये तो हमें पीछे जाने का रास्ता भी पता होना चाहिए। तो देखिए आगे जाने के लिए अगर आप ऑक्सीडेशन का यूज कर रहे हैं तो पीछे आने के लिए काय का यूज करेंगे, काय का यूज करेंगे, रिडक्शन। अगर आप आगे जाने के लिए ऑक्सीडेशन का यूज कर रहे हैं, अभी मैंने आपके पढ़ाई कैसे शुरू करी थी, शायद आपने कभी जिंदगी में ऐसे पढ़ाई शुरू नहीं करी कि पहले दिन टीचर आपको ये बता रहा हो कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। कार्बन का CH4 में +4 है और CH3COH के अंदर 0 आ गया। अब आगे बढ़ते चले गए हम ऑक्सीडेशन से, और अगर हम वापस आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, फिर नेचुरली रिडक्शन से। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन की शुरुआत करूंगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल के रिडक्शन से फिर अल्केन बन जाएगा। अब आप मुझे वो वाला एरो बनाते हुए देखेंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको ऐसा बताया अभी, ये चलिए भाई वो एरो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, देखिए एरो नीचे आया मैंने। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो आप देखिए इससे हमारे पास में एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से आप देख सकते हैं कि अल्कोहल भी बन सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हम देख रहे हैं कि अल्केन भी बन सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पता कैसे चलेगा कि कब अल्केन बनेगा, कब अल्कोहल बनेगा, कब एल्डिहाइड बनेगा। तो भाई वो तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना, अभी सब चीजें इसमें तो नहीं आ सकती। उसके लिए अलग अलग तरह के कैटलिस्ट का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे यार, मैंने नीचे उतारा कि एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्केन भी बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, अल्केन बन जाएगा। किसी के भी रिडक्शन से हेलो अल्केन नहीं बन सकते, क्योंकि रिडक्शन का क्या मतलब है, H2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, तो हाइड्रोजन से अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो हेलो अल्केन कैसे बन जाएंगे, क्योंकि हेलो अल्केन बनाने के लिए तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन की हमें जरूरत पड़ेगी, वो तो हमारे पास में नहीं है। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन H2 के साथ करवा रहे हैं, तो उसके साथ में ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, हेलो अल्केन तो नहीं बनेंगे। लेकिन हेलो अल्केन का अगर आप रिडक्शन करेंगे, देखिए आप ये हेलो अल्केन है, इसका अगर आप रिडक्शन करेंगे H2 डालेंगे तो HCl बाहर निकल जाएगा और C2H6 बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे चलो भाई ये भी मुसीबत खत्म हुई। अब आप देखिए धीरे धीरे आज का ये पूरा एक घंटा, ये जो क्लास होती है हमारी पूरी, ये पूरी फोकस्ड है रिएक्शंस की सिस्टम समझने में। एक बार आपने ये बात पकड़ लिया ना तो ऑर्गेनिक तो चुटकियों का खेल होगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते चले गए थे हम ऑक्सीडेशन से, पीछे हम आ गए रिडक्शन से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हेलो अल्केन बनाने की प्रिपरेशन भी अगर इसी में कुछ निपटा दें आप तो बड़ा अच्छा होगा। देखते हैं भाई वो भी निपटा देते हैं, कैसे निपटेंगे अब आप देखिए। जी साहब, अब आप देख सकते हैं इसको, अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है तो आपको करना क्या है, OH हटा करके CL लगाना है। वो काम तो हम लोगों ने यहां पर भी किया था, अभी देखिए OH को हटा करके CL लगाना था एसिड राइट में, तो HCl, PCl3, PCl5 और SOCl2,
ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, इनका काम क्या होता है, OH को हटा करके Cl या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन को लगा देना। तो वही काम हमने यहां पर भी करा। अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, PCl3, PCl5, HCl या SOCl2, ये आपको यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सब बच्चे समझ गए अच्छी तरीके से। तो आपने देख लिया, अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है तो बस आप PCl3 या PCl5 या HCl या SOCl2 में से कोई एक चीज डाल देंगे तो हेलो अल्केन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अब मैं आखिरी चीज आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो मैंने आपको बताया एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, लेकिन ये रिडक्शन ज्यादा स्टेबल नहीं होता और एल्डिहाइड कीटोन से फिर वो वापस अल्कोहल के अंदर आ जाता है, थोड़ा परेशानी होती है। तो हमने इसीलिए इसकी एक दूसरी तरकीब अडॉप्ट कर रखी है, और दूसरी तरकीब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हम कैल्शियम सॉल्ट बना करके उसको हीट कर देते हैं, उससे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं जो स्टेबल हो। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम ज्यादा प्रिफर नहीं करेंगे। हम कौन सा प्रोसेस प्रिफर करने जा रहे हैं, हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये चार्ट इस तरह से पूरा हो गया। ऑर्गेनिक की लगभग 75% रिएक्शंस, कितना कह रहा हूं मैं, लगभग 75% रिएक्शंस इस चार्ट के अंदर पूरी हो चुकी है। अब आपको आज इतनी पावर मिल जाएगी कि कोई भी रिएक्शन को आप सोचेंगे तो आप ऐसे बता देंगे। आपको मैंने अभी एक सवाल दिया, आप अपने इस दिमाग में जब मैं बोल रहा हूं सोचेंगे, अल्कीन से आपको बनाना है साइनाइड, अल्कीन से बनाना है साइनाइड, अल्कीन HCl डाल करके C2H5Cl, ठीक है, और C2H5Cl के अंदर डाल दिया हम लोगों ने KCl, साइनाइड बन करके तैयार हो। दूसरा सवाल सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं बनाना चाहता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कीन। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बता दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट करके एल्डिहाइड कीटोन बनाओ, उसका रिडक्शन करके अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल में H2SO4 डाल दो। दूसरा तरीका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सीधे रिडक्शन करके अल्कोहल बनाओ, H2SO4 डाल दो। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करके अल्केन बनाओ, अल्केन में क्लोरीन डाल दो, C2H5Cl डाल दो, अल्कोहलिक केवेट डाल दो, अल्कीन बना दो। आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डाल दो, अमाइड बनाओ, अमाइड का रिडक्शन करके अमाइंस बनाओ, अमाइंस में HNO2 डाल करके अल्कोहल बनाओ और H2SO4 डाल दो, अल्कीन बन करके तैयार हो जाएगा। देख रहे आप, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। एग्जामिनेशन पे जब सवाल आते हैं कि हाउ यू विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इंटू अल्कीन, हाउ विल यू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इंटू अल्कीन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, तो उसमें 3 तरीके सही हैं और 1 गलत है। सपोज करिए उसने कहा विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कीन बनाने के 3 तरीके पता होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये वाला तरीका ठीक है, अमाइन के साथ में ये कर दिया हमने, ये तरीका सही है। तो आपको मैंने अभी तरीके बताए, 4 तरीके बता दिए अभी, तो इन चारों में से कोई एक तरीका आएगा उसको टिक करते चलेंगे, दिस इज करेक्ट, और जो इसमें से नहीं होगा तरीका आप बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे दिस इज रॉन्ग। अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको बताया कि ये बड़ा एक चार्ट बनाना, बाई हैंड बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी हो जाता है, कभी कभी छोटा भी दिख रहा होगा आपको, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये मैजिकल चार्ट है, जादुई चार्ट है ये। आपके और भी अगर दोस्त लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं नीट की और आईटी की,
उनको आप शेयर कर सकते हैं कि भाई ये चार्ट तुम कर लो, हमें एक टीचर ने बताया है, तुम्हारे काफी काम आएगा। तो बच्चा आपको दुआएं देगा कि चलो भाई तुमने अच्छी तरकीब बताई हमें। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं बच्चों से, उनसे कह दिए कि भाई इस चार्ट के थ्रू आप तैयारी करने में आसानी होने वाली है। अब मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूं, ये मैं आपको अभी पास से सब चीजों को दिखाते हुए चलूंगा। अगर आपको कोई वर्ड या कोई लाइन देखने में दिक्कत है तो आप जो है उसको सही तरह से देख पाएंगे। देखिए अब मैं आपके लिए कैमरा पास में लेकर के आ रहा हूं मैं ये, और आप देखिए कोई भी, अगर आप देखिए यहां से शुरुआत हो गई है ये अल्केन, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने इस तरह से करा। यहां पर थोड़ा सा हो सकता था आपको ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की हुए थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत आई, तो ये देखिए मैंने आपको यहां पर बड़ा करके दिखा दिया है फिलहाल, ठीक है बच्चों। ये देखिए आप KCN, AgCN, AgNO2, KCN, amines, cyanide, isocyanide, nitroalkane, nitrite, ठीक है भाई। यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ये esters, HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, ये क्या लिखा हुआ है, एसिड हैलाइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे एनहाइड्राइड, और उसके बाद में फिर अमाइड, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, अल्कीन, किस तरीके से यहां पर मैंने H2SO4 लिख रखा है, इधर अल्कोहलिक KOH लिख रखा है, ये आप यहां पर देख सकते हैं अल्कोहल से हेलो अल्केन में कैसे मैंने एरो बना रखा है, PCl3, PCl5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मैंने आपको दिखाया कि भाई ये आपके पास पास करके दिखा दिया मैंने पूरा का पूरा ये सिस्टम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर आप बाय हैंड इसको बना लेंगे एक बार तो आपको और भी आसानी होगी, अपने दोस्तों को आप ये शेयर कर सकते हैं। आज के लिए हमारी क्लास यही तक ही होती है, कल हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, और आप जो है इस बीच में इस चार्ट को कोशिश करिए घर पर बना सके, ठीक है। गुड बाय फॉर नाउ, कल फिर मिलते हैं।